सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हैं मोहित फ्रेंड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या फ़र्क होता है लैपटॉप की रैम में और डेस्कटॉप की रैम में। कि अगर हम कोई रैम ले जाते हैं मार्केट में तो हम कैसे मालूम करें कि कौन सी डेस्कटॉप की रैम है, कौन सी लैपटॉप की। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करना बोले, जिससे कि हमें वीडियो बनाने का स्पेशल मिलता रहे। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दो रैम रखी हैं जो कि सेम स्पेसिफिकेशन की हैं, सेम बिट रेट की हैं। तो जो मैंने रैम ली है वो है एक इनवाइन की और एक किंगस्टन की। दोनों ही दो दो जी बी की हैं और 800 MHz पर क्लॉकड हैं। ये वाली जो है वो है डेस्कटॉप वाली। ये मैंने न्यू परचेज की अपने फ्रेंड से 200 रुपीज़ की। आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप की रैम है और ये लैपटॉप की रैम है। आपने मैंने फ्रेंड से 500 रुपीज़ में बाई की थी। ये DDR2 की 2GB रैम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीटिंग की। तो देखिए, आप जानते हैं कि डेस्कटॉप में जो PC केस होता है वो एक हैवी होता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा CPU केस है। इसमें अच्छी स्पेस है, मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ इस रैम को। ये ज़्यादा हीट भी नहीं होगी। तो ये डुअल साइडेड ट्रांजिस्टर रैम है। कुछ जो चाइनीज रैम होती है वो सिर्फ वन साइडेड आती हैं, जहाँ पे ये चीज़ जो ब्लैक कलर देखेंगे आप ICs, वो सिर्फ वन साइड होती हैं। इसमें टू साइड है, यानी एक अच्छी क्वालिटी की रैम है और ये एक लॉन्ग लास्टिंग रैम चलेगी। इसमें जो हीट होगी वो होएगी कम, क्योंकि हमारा जो PC केस होने वाला है उसमें फैंस होते हैं जो इसे कूल रखते हैं, इसकी जो हीट होती है उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं बाहर। और वहीं हम बात करें अगर लैपटॉप के केस की, तो आप जानते हैं कि लैपटॉप की रैम ये बहुत हीट होने वाली है, जबकि इसमें कम ICs लगी हैं कंपेयरिंग टू हमारे इस वाली रैम की जो डेस्कटॉप में यूज़ होने वाली है। हीटिंग का इशू लैपटॉप की रैम में ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि लैपटॉप में मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में रैम की कूलिंग के लिए कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता है। तो ये हो तो हो गया पहला पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है कैसे पहचाने कि रैम हमें कौन सी लेनी चाहिए। DDR2 है, DDR3 है, कोई भी है, तो हमको कैसे पहचानना है। देखिए, अगर DDR2 है तो ये जो आप देख रहे हैं पिंस, आपका जो कट होने वाला है वो इस साइड लेफ़्ट साइड होना चाहिए। अगर DDR2 है ये, इसलिए इसमें लेफ़्ट साइड जो कट बना हुआ है वो लेफ़्ट साइड है। आप जैसे देख सकते हैं ये डेस्कटॉप की रैम है, तो इसमें कट जो है वो बीच में बना हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस मिल सकता है पिंस में। तो ऐसा आपको पता लगा लेना है कि DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है। आप इजीली ऐसे पता लगा सकते हैं, या तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप से और कौन सी रैम आपके लैपटॉप में लगती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कौन सी रैम लेनी चाहिए। तो आपको जो रैम लेनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम तो DDR4, क्योंकि अब ये DDR2 है तो DDR2 का ज़माना जा चुका है। अब आपके पास कम से कम DDR3 की रैम तो होनी चाहिए, वो भी 4GB, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो, एक गेमिंग को लेकर चल रहे हैं, वरना गेमिंग तो इंटेल के HD ग्राफिक्स पे हो जाती है 1GB पे। और लैपटॉप अगर आपको गेमिंग करनी है तो एटलीस्ट 8GB रैम बिना ग्राफिक कार्ड के, और ग्राफिक कार्ड हो तो 4GB रैम। एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, जैसे कि NVIDIA का 1050 Ti, 4GB या 2GB में भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। और ASUS के लैपटॉप में आपको मिल जाता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब उसके बारे में जो बात करेंगे, ये लास्ट पॉइंट है और ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको रैम कहाँ से बाय करनी है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द रैम्स जो बाय करनी चाहिए आपको करनी चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन जो रैम के जो प्राइस होते हैं वो कट डाउन होते हैं। जैसे कि मैंने कोई रैम का डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो मैंने दिया है जो ट्रांजेक्शन की रैम है वो है 8GB की, वो आपको मिल जाएगी 3000 रुपीज़ की मिल जाएगी। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और वो 2400 MHz पर क्लॉक्ड है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट थे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमें नए नए वीडियो बनाकर स्पेशल मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।